आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव बीकनपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 1400 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती रामरती संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान रामरती और सचिव रणबीर सिंह के द्वारा स्कूलों में सौंदर्यकरण के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास हुआ है। इनके कार्यों से ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। 4 वर्षों में कितना विकास कराया है और अभी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पुत्र की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के बीकनपुर ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को यहाँ बीत चुके हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, 4 साल यहाँ प्रधान के कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक गांव में करवा दिए हैं? जी मैम, हमने देखो सोलर लाइट लगवाई है जी, और सड़कें बनवाई हैं जी, और हमने घर घर शौचालय बनवाए हैं, और ये कोहरी ग्राम पंचायत जी हाँ जी, और हमने स्कूलों में बाउंड्रियाँ कराई हैं। स्कूल में कार्यकाल के अंतर्गत आपने बाउंड्री टाइल्स वगैरह क्या क्या टाइल्स हैं और पेंटिंग बनवाई है बहुत अच्छी, और कूड़ेदान लगवाए हैं जी, और शौचालय बनवाए हैं जी, और उसमें रंग पुताई। ग्राम पंचायत में आवास मिले हैं जी? हाँ मैम, 31 आवास मिले हैं। तो कुछ लोग अभी भी बाकी हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? कितने परिवार ऐसे होंगे? अभी हैं लगभग 50 हैं, हम लोगों ने सबको ऑनलाइन करा दिया है जी। यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, जी, जी। आपके गांव में क्या सभी गांव वासियों को इनका लाभ मिल पाता है पूरी तरह से? हाँ, पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ हैं 5 लोग, तो उनकी सूची फिर दोबारा से जमा करी गई। मतलब आपकी कोशिशें जारी रहती है ताकि सभी को आप ये लाभ मिलवा पाए? जी हाँ मैम जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन, ये बने हुए हैं? हाँ, एक ही है सामुदायिक केंद्र बना हुआ है। सामुदायिक केंद्र, उसमें डॉक्टर्स वगैरह बैठते हैं? नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं बैठता। दवाइयाँ मतलब मिलती नहीं है यहाँ? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ अस्पताल के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? यहाँ एक वीरपुर बरियार है जी, ये बराबर पड़ता है हमारे 1 किलोमीटर, लोग तो वहीं से लेकर आते हैं। इसमें अस्पताल है बना हुआ जी? हाँ मैम। अच्छा, घाट है, बाउंड्री वगैरह सब बना हुआ है? सब, उसमें हमारे यहाँ शमशान घाट की जगह छिपी हुई है जी। हमने मतलब दे भी रखा था, लेकिन शमशान घाट की नहीं तो बाउंड्री है, कुछ नहीं बना हुआ। तो अंतिम स्थल के लिए आप वहीं जाते हैं या कहीं और जाना पड़ता है? अंदर जाना पड़ता है जी। जैसे कि काफी मुस्लिम समाज है यहाँ? नहीं नहीं, सब हिंदू लोग, सब हिंदू समाज है यहाँ। मोदी सरकार, योगी सरकार ने इतना जो है अभियान चला रखा है स्वच्छता मिशन को लेकर के, आपके ग्राम पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? एकदम बिल्कुल ठीक है, सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ बिल्कुल, टाइम पर आते हैं, कहीं गंदगी वगैरह? साफ सफाई बढ़िया हो रही है हमारे जी। कुछ लोग जैसे हम भी प्रयास करते हैं और हमारे गांव वाले भी प्रयास करते हैं इस चीज़। लोगों का सहयोग आपकी तरफ पूरा रहता है? बिल्कुल। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम यही रखेंगे कि देखो थोड़े अब जैसे अब काम चल रहा है, थोड़े रास्ते वास्ते और रह गए, एक दो रास्ते हैं हमारे कच्चे, और बस उन्हीं पर हमारा। कितना मीटर सीसी से आपका गांव पूरी तरह से पक्का हो जाएगा? हमारा सीसी हो जाएगा लगभग जो है 600-700 मीटर मिल जाएगा ना, तो बिल्कुल हमारा गांव बिल्कुल और ओके हो जाएगा जी जी। इसके अलावा बारह घर पंचायत भवन के लिए भी आप चाहेंगे? ग्राम समाज की जगह है? हाँ, ग्राम समाज की जगह है, और हम सोचेंगे एक वो शमशान घाट बन जाए हमारे जी जी। हाँ मैम, आंगनबाड़ी केंद्र है, और आंगनबाड़ी केंद्र तो है बना जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसको लेकर प्रधान प्रतिनिधि यहाँ मांग रखते हैं। यहाँ प्रमुख मांग शमशान घाट को लेकर रखी गई है। इसके अलावा लगभग 500-600 मीटर सीसी की भी मांग यहां पर रखी है। 50 परिवार यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम आपका? ये मेरा नाम पिंटू कुमार है जी। यहां इस विद्यालय में किस पद पर कार्यरत हो? मैं यहां वैसे तो सहायक अध्यापक हूं, लेकिन जब से मेरे प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए हैं अभी मार्च 2019 में,
31 मार्च को रिटायर हुए हैं, तो तब से मेरे पे इंचार्ज सिपाही है स्कूल की। अच्छा, ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में विकास कराया गया है, इसमें पुताई कराई है और हमारे यहाँ समर सेल करवा दिया गया है। और होली के बाद प्रधान साहब प्रधान जी कह रहे हैं कि किचन में और हमारे शौचालय में मुतल्ले लग जाएंगे, टाइल्स लग जाएंगी, ये काम होली के बाद शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा और कुछ? और टाइल्स बिछवाई हैं और पेड़ लगाने में सहयोग किया है। पेड़ आप लोग आपके सामने है पेड़, और समय समय पर हमारा पूरा सहयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पूरा सहयोग करते हैं। आज पूरा सहयोग करते हैं, और जब भी हम बुलाते हैं तुरंत आते हैं, SMC मीटिंग में बैठते हैं, सब काम आते हैं।